गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट। हम मैकेनिक्स में ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ रहे थे, जिस पर हम दो लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। पहले लेक्चर के अंदर हमने ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर किसे कहते हैं के बारे में पढ़ा था, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करी थी। सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको सॉल्व किया था, जहाँ हमने उसकी का इंस्टेंटेनियस सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट करा था, जिसे स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन भी कहते हैं, कि x बराबर x ज़ीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाई उसका सॉल्यूशन है, जहाँ x ज़ीरो उसका आयाम था और फाई उसका फेज था। ये हम कैलकुलेट कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं फेस ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर, प्रणोदित दोलक की कला। प्रणोदित दोलक की कला हम प्रीवियस आर्टिकल लेक्चर के अंदर हम निकाल चुके थे। टेन फाई बराबर प्राप्त हुआ था 2R ओमेगा अपॉन ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी तीन विशेष स्थितियाँ यानी स्पेशल केसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पहला केस है जब ओमेगा ओमेगा ज़ीरो से कम है, यानी न्यून चालित आवृत्ति या लो ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी, अर्थात जब ड्राइविंग फोर्स की फ्रिक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से कम है। ऐसे केस के अंदर जो टेन फाई है, नीचे की चीज़ आप देख रहे हो, आप यदि ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर बड़ा है ओमेगा ज़ीरो से कम है तो हम इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं। देन टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, या फाई बराबर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अर्थात ऐसे केस के अंदर प्रणोदित दोलक एवं चालक बल दोनों एक ही कला में होंगे, अर्थात फोर्स्ड ऑसिलेटर एंड ड्राइविंग फोर्स बोथ ऑसिलेट्स इन द सेम फेस। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि यदि ड्राइविंग फोर्स की फ्रिक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से कम है, यानी लो ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी केस है, तो ऐसे केस के अंदर जो फेस है वो ज़ीरो प्राप्त होता है, अर्थात फोर्स्ड ऑसिलेटर एंड ड्राइविंग फोर्स बोथ ऑसिलेट्स इन द सेम फेस, दोनों की कला सेम रहती है। केस सेकंड, सेकंड केस है व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ज़ीरो, जिसे हम बोलते हैं क्रांतिक चालित आवृत्ति या क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, यानी अर्थात जब ड्राइविंग फोर्स की फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाती है। ऐसे केस के अंदर क्या होगा, जो टेन फाई का मान है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा बराबर हो जाएंगे, तो नीचे की चीज़ हमारे पास क्या आ गई, ज़ीरो आ गई, यानी टेन फाई माने इज इक्वल टू प्राप्त होगा इनफाइनाइट। यदि टेन फाई इनफाइनाइट प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब फाई का मान क्या है, पाई बाई टू है। अर्थात क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ, प्रणोदित दोलक के विस्थापन की कला चालक बल से पाई बाई टू पीछे रहती है, लैग करती है, अर्थात फेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर लैग बिहाइंड ऑफ ड्रिविंग फोर्स बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई टू। राइट, समझ में आ गई बात, कि प्रणोदित दोलक के विस्थापन की कला चालक बल से कितनी पीछे रहती है, पाई बाई टू पीछे रहती है, लेग बिहाइंड करती है। थर्ड केस है हमारा व्हेन ओमेगा इज वेरी मच ग्रेटर देन ओमेगा ज़ीरो, यानी यदि ड्राइविंग फोर्स की फ्रिक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है, जिसे हम बोलते हैं हाई ड्राइविंग केस यानी अति चालित आवृत्ति। ऐसे केस के अंदर टेन फाई बराबर हो जाएगा माइनस टू आर अपॉन ओमेगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली माइनस ज़ीरो, माइनस में वैल्यू प्राप्त हो रही है, माइनस में प्राप्त हो रही है, इसका मतलब फाई का मान क्या होगा, पाई, यानी 180 डिग्री हो गया। अर्थात क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ, प्रणोदित दोलक के विस्थापन की कला चालक बल से कितना पीछे हो गई है, पाई कोण, यानी 180 डिग्री पीछे रहती है। राइट, सो ये हमारे पास तीन रिजल्ट प्राप्त हो गए, तीन डिफरेंट डिफरेंट केसेस हमको प्राप्त हो गए। इनी इट मींस जो रिजल्ट हमारे को प्राप्त हो रहा है, द फेस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द ड्राइविंग फोर्स चेंजेस फ्रॉम, कितने से चेंज हो रहा है, ज़ीरो से पाई के बीच में चेंज होता है, एंड द वेरिएशन ऑफ फेस विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज कैसे किस प्रकार से हो रहा है, ये हम इस डायग्राम के अंदर आसानी से देख सकते हैं, जिसमें हमने ये डायग्राम बना रखा है,
इस डायग्राम में आप आसानी से देख सकते हैं, दो ज़ीरो से पाई बाई टू और पाई बाई टू से पाई, ये इस प्रकार से फेस चेंज हो रहा है। और इधर वाई एक्सिस पर हमने ले रखा है ज़ीरो पाई बाई टू पाई यानी एंगल ले रखा है, और एक्स एक्सिस पर हमने ले रखी है फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहला है आपका ज़ीरो, ज़ीरो पर ले रखी है, ओमेगा ज़ीरो पर ले रखी है और ओमेगा पर ले रखी है। तो अति अवमंदन, न्यून अवमंदन और शून्य अवमंदन, इन तीन केसेस को हमने इस डायग्राम में शो किया है। तो यहाँ इस डायग्राम के अंदर हमने दिखा रखा है कि यदि हमारा डैम्पिंग स्मॉल है या हाई डैम्पिंग हो रही है या क्रिटिकल डैम्पिंग हो रही है, तो ऐसे केस के अंदर जो फेस है वो किस प्रकार से चेंज होता है, ये हमने इस डायग्राम के अंदर आपको दिखा रखा है। नेक्स्ट है आपका, अगला आर्टिकल है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स ऑसिलेटर की प्रणोदित दोलक का आयाम पर भी इन तीनों केसेस का फ्रीक्वेंसीज के रिलेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। सो प्रणोदित दोलक का आयाम एक्स जीरो बराबर है एफ ज़ीरो अपॉन ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हम प्रीवियस आर्टिकल के अंदर डिराइव कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पर भी तीन विशिष्ट परिस्थितियाँ ज्ञात करनी है। पहली परिस्थिति व्हेन ओमेगा इज लेस देन ओमेगा ज़ीरो, यानी जब ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम है, यानी न्यून चालित आवृत्ति, लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे में क्या होगा, नीचे की चीज़ यदि हमारे पास कम है तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ों को छोड़ सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू बहुत कम है तो हम इसको छोड़ सकते हैं, ओमेगा को हमने यहाँ पर छोड़ दिया है और छोड़ देते हैं तो हमारे पास एक्स ज़ीरो बराबर क्या आ गया, एफ ज़ीरो अपॉन ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर। एम को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा हमने, एम एफ ज़ीरो अपॉन एम ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर, और एम स्मॉल एफ ज़ीरो बराबर हो गया एफ ज़ीरो कैपिटल एफ ज़ीरो जो हम पहले एज्यूम कर चुके हैं, और एम ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर बराबर हो गया के जिसे हम बल नियतांक भी कहते हैं, फोर्स कॉन्स्टेंट कहते हैं। सो एक्स ज़ीरो की वैल्यू बराबर हमारे पास आ गई कैपिटल एफ ज़ीरो अपॉन के, अर्थात न्यून चालित आवृत्ति होने पर दोलक का आयाम आरोपित बल के आयाम व फोर्स कांस्टेंट यानी बल नियतांक के पर निर्भर करता है। ये हमारा पहला रिजल्ट प्राप्त हुआ है हमारे, तो अवमंदन बल पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर, यहाँ से ये बात क्लियर हो गई, यहाँ पर डैम्पिंग फोर्स नहीं आ रहा है कहीं पर भी, तो यह किस पर निर्भर कर रहा है, इसमें दोलक का आयाम जो है वो बल नियतांक के पर निर्भर करता है, अवमंदन बल पर निर्भर नहीं करता है। ये हमारा पहला रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ है, कब, जबकि न्यून चालित आवृत्ति है, ठीक है, यानी लो ड्राइविंग फोर्स है, फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट है सेकंड केस हमने लिया है, सेकंड केस के अंदर ओमेगा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा ज़ीरो जिसे हम क्रांतिक चालित आवृत्ति यानी क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के अंदर ओमेगा बराबर क्या हो गया, ओमेगा ज़ीरो के बराबर हो गया, ओमेगा ओमेगा ज़ीरो के बराबर हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म आपकी ज़ीरो हो जाएगी और आपके पास एक्स ज़ीरो बराबर हो गया एफ ज़ीरो अपॉन अंडर रूट फोर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अंडर रूट से हमने स्क्वायर कैंसिल कर दिया तो हमारे पास आ गया एक्स ज़ीरो बराबर हो गया आपके पास एफ ज़ीरो अपॉन टू आर ओमेगा, एम को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है एम एफ ज़ीरो अपॉन टू एम आर ओमेगा, और यहाँ से एम एफ ज़ीरो हो गया कैपिटल एफ ज़ीरो और टू आर बराबर होता है लैम्डा अपॉन एम, तो यहाँ से हमारे पास आ गया लैम्डा टू एम आर बराबर हो गया लैम्डा, सो एफ ज़ीरो अपॉन हो गया लैम्डा ओमेगा ज़ीरो। यानी इस केस के अंदर ये जो केस हमारे को प्राप्त हुआ है इसके अंदर यह अवमंदन गुणांक जो डैम्पिंग फोर्स है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, लैम्डा कहाँ है, इन्वर्स में है। सो एक्स ज़ीरो बराबर क्या हो गया एफ ज़ीरो अपॉन लैम्डा ओमेगा ज़ीरो, यह जो है अवमंदन बल के व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अवमंदन बल, अवमंदन कम होने पर दोलक का जो विस्थापन आयाम है वो बढ़ जाता है, और यदि अवमंदन अधिक हो रहा है तो आयाम जो है वो यानी एम्पलीट्यूड है वो कम घट जाता है। तो ये हमारे को यहाँ से रिजल्ट प्राप्त हुआ है, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि किस प्रकार से दोनों केसेस में किस प्रकार से चेंज आ रहा है। सो यदि हमने दोनों जो केसेस हमने अभी तक पढ़े हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ज़ीरो और ओमेगा इज़ वेरी मच लेस देन ओमेगा ज़ीरो, इन दोनों केसेस को यदि हम कंपेयर करते हैं तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, दोनों को हमने डिवाइड किया है, जैसे कि हम यहाँ पर
ये दिखाई दे रहा है आपको, ये हमने इसको डिवाइड किया है, ये बराबर हमको प्राप्त होगा एफ ज़ीरो अपॉन लैम्डा ओमेगा ज़ीरो और डिवाइडेड बाई एफ ज़ीरो अपॉन के। सो एफ ज़ीरो से एफ ज़ीरो कैंसिल हो गया और के अपॉन लैम्डा ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया और हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा ज़ीरो अपॉन टू आर, क्योंकि एम अपॉन लैम्डा को हमने ओमेगा ज़ीरो से करा, ओमेगा ज़ीरो से हमने कैंसिल हो गया, माना हमारे पास आ गया ओमेगा ज़ीरो अपॉन टू आर, और वन अपॉन टू आर को हम लिख सकते हैं टॉ, तो ये बराबर हो गया ओमेगा ज़ीरो टॉ, जिसे हम क्वालिटी फैक्टर क्यू भी कहते हैं। तो ये जो विशेषता गुणांक क्यू प्राप्त हुआ है, ये आयाम को नियंत्रित रखता है, कंट्रोल करता है कि उसकी जो क्वालिटी है वो इस पर डिपेंड करती है। तो क्वालिटी डिपेंड किस पर कर रही है, कि ओमेगा और ओमेगा ज़ीरो के बीच में संबंध कैसा है। जैसा इनके बीच का संबंध होगा, क्वालिटी फैक्टर उतना ही हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट है आपका हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, यानी ओमेगा इज़ वेरी मच ओमेगा ज़ीरो, ओमेगा ज़ीरो, देन एक्स ज़ीरो बराबर क्या हो गया, एफ़ ज़ीरो अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब न्यून अवमंदन आर होने के कारण हम फोर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं, उसको हमने छोड़ दिया है और हमारे पास आ गया एक्स ज़ीरो बराबर हो गया एफ़ ज़ीरो अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और इट मीन्स एक्स ज़ीरो इज़ प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो ये कहलाता है हमारा तीसरा केस। तो इन तीनों केसेस को हम यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ आकर आपका ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है, ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाता है। इस लेक्चर के अंदर हमने फेस को और एम्पलीट्यूड को के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से फ्रिक्वेंसीज के बीच का संबंध आयाम और फेस को प्रभावित करता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में ये डेरिवेशन पूछा जाता है। तो यहाँ आपका ये आर्टिकल आकर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कि जो रेजोनेंस है, एम्पलीट्यूड रेजोनेंस है, वो किस प्रकार से है और उसकी जो शार्पनेस है रेजोनेंस की, वो किस पर निर्भर करती है और कैसे चेंज होती है। सो नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर हम पढ़ेंगे, रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।